सज्जनपुर के गांव में अमर शुक्ला कहकर एक व्यापारी रहता था। उनको तो बहुत सारे धंधे थे, उनमें प्लास्टिक बॉटल्स का व्यापार एक था। अमर एक बड़ा दिलदार आदमी था, दूसरों को बहुत सहायता करता था। उसी गांव में मनोहर पांडे कहकर और एक व्यापारी था, लेकिन वो बहुत कमीना था। वे दोनों बगल वाले गांव में प्लास्टिक बॉटल्स की सप्लाई करते थे। अमर की अच्छाई से स्कूल की बच्चों को मुफ्त में वाटर बॉटल्स बांटना चाहता था, लेकिन पांडे उसको रोकना चाहता था। एक दिन अमर और पांडे आमने सामने आए थे। अमर, तुम बच्चों को बॉटल्स मुफ्त में दे रहे हो, ऐसे किया तो हमारा धंधा को नुकसान हो जाएगा, तुम इसे रुकना होगा, वरना तुमको मेरे बारे में पता नहीं कि मैं क्या करूंगा। अबे ओए, तुम जैसे एड़ों को बहुत देख चुका हूँ, मेरी मर्जी है, मैं बच्चों को मुफ्त में बांटता हूँ, तुम क्या उकाड़ सकते हो उकाड़ लो, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ और भगवान भी मेरा साथ रहेगा, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। तब से लेकर पांडे अमर के धंधे को गिराने के लिए बहुत कोशिश करने लगा। उस षड्यंत्र के भाग में पांडे भी स्कूल के बच्चों को वाटर बॉटल्स मुफ्त में बांटना चाहता था, लेकिन वो पानी शुद्ध पानी नहीं था, अशुद्ध पानी को भर के बांटना चाहता था। वो पानी पीने से बच्चों की सेहत खराब हो जाती है। ये बात अमर के पास पहुंच गया। तब अमर उनके दोस्त समर से मिला और समर, वो पांडे मेरे धंधे को गिराने के लिए अशुद्ध पानी को स्कूल के बच्चों को बांटने के लिए तैयार किया है कहकर मुझे पता चला, हमको जैसे भी उस षड्यंत्र को रोकना होगा, मुझे तुम्हारा मदद चाहिए। अमर, तुम चिंता मत करो, तुमको मैं हूँ। उनका वाटर बॉटल्स का ट्रैक्टर स्कूल तक पहुँचने से पहले हम जाकर स्कूल के प्रिंसिपल को ये बात बताएंगे। अमर और समर स्कूल के पास गए और प्रिंसिपल से मिलकर, सर, आज हमारे गांव से आने वाले वाटर बॉटल्स का ट्रैक्टर में से किसी को भी पानी नहीं पीने के लिए बोलिए सर, क्योंकि वो ट्रैक्टर मेरा नहीं है और उसमें पानी बहुत अशुद्ध है। आपने जो बोला वो ठीक है, बच्चों के भलाई के लिए आप पहले आकर हमको कहा, लेकिन बच्चों को कौन सा ट्रैक्टर का पानी अच्छा है और कौन सा अशुद्ध है ये कैसे पता चलेगा, आप ही सोचिए। तब अमर, आपने जो बोला वो सही है सर, बच्चों को कैसे पता चलेगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या है वो बोलो समर। वो अभी नहीं बोलता हूँ, चलो मैंने जो सोचा वो करके दिखाता हूँ, कहकर अमर को लेकर निकला। तब अमर और समर बच्चों को ट्रैक्टर को पहचानना है कहकर एक ट्रैक्टर को तैयार करने के लिए फैसला किया। हम हमारे ट्रैक्टर को एक प्लास्टिक बॉटल ट्रैक्टर जैसा बनाएंगे और प्रिंसिपल से कहेंगे कि बच्चे केवल इस प्लास्टिक बॉटल ट्रैक्टर से पानी पीने के लिए। तुम्हारे विचार बहुत अच्छा है मेरा दोस्त, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अभी के अभी काम शुरू करेंगे। तब वो दोनों मिलकर उनका ट्रैक्टर को एक प्लास्टिक बॉटल ट्रैक्टर जैसा बदल दिया। उस दिन सड़क पर स्कूल में जाने वाले पांडे की ट्रैक्टर से आगे निकलते हुए चला गया था वो प्लास्टिक बॉटल ट्रैक्टर। अमर और समर पांडे का ट्रैक्टर पहुंचने से पहले ही उनका ट्रैक्टर को स्कूल पहुंचा दिए थे। सारे बच्चे आकर प्लास्टिक बॉटल ट्रैक्टर के पास ही बॉटल लेने लगे थे और पांडे का प्लान पूरा मिट्टी में मिल गया था, पांडे हार गया था। सही वक्त में आकर आप बच्चों की सेहत को बचाया है, आपको भगवान अच्छे से देखभाल करे, कहकर आशीर्वाद दिया। अच्छे लोगों को हमेशा अच्छा ही होता है सर। तब पांडे का ट्रैक्टर भी स्कूल पहुंचा। आप देखो क्या करता हूं, कहकर समर पुलिस को फोन किया। और पुलिस तुरंत उधर पहुंच गया। तब प्रिंसिपल पुलिस को सब कुछ बताया। बच्चों के सेहत से खेलने के लिए देखा पांडे को पुलिस ने अरेस्ट किया। प्रिंसिपल अमर और समर को बहुत धन्यवाद किया।